गाइज गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो आज ये जो वीडियो बन रहा है, आप 2 दिन बाद बन रहा है, सॉरी 3 दिन बोली, 2 दिन बाद बन रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा मतलब यूट्यूब पे कर दिया है कि मतलब हिम्मत नहीं होता है वीडियो बनाने का, सही बता रही हूँ, अब मन नहीं करता है, पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा वीडियो बनाने का कुछ लोग के वजह से। कुछ लोग ही, बहुत कम ही लोग हैं, एक दो लोग ही हैं कि जिनको हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। और सभी लोग का कमेंट आ रहा था कि श्वेता बेटा दीदी जिनको जैसा जो लगा उस हिसाब से बोल रहे थे कि आपके फैमिली में से ही कोई है। तो मैं तो नहीं जानती हूँ कि कौन है, मुझे नहीं पता, बट जो भी ये सब बोल रहा है वो मतलब सोच समझ के बोले। मुझे तो मतलब बिल्कुल मतलब इतना दिमाग उस दिन ख़राब हो गया था ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग से। और मतलब जो बट नहीं मुझे यूज करना था ना वो भी कर गई, बट वो ऐसे लोग के लिए मैं क्या ही करूँ जो मतलब नहीं समझ सकता है कि अरे यार एक इंसान है, एक अकेली लेडीज है, 2 बच्चे के लिए खड़ी हुई है, 2 बच्चे का पालन पोषण कर रही है हर तरीके से, कहीं से उसका कोई हेल्प नहीं है, फिर भी अपने बच्चे के लिए करती है। और उसके बाद यार मतलब तुम नेगेटिव आओ, कमेंट कर दो, जब किसी के लाइफ के बारे में नहीं जानो ना तो कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है? इंग्ली ये बिल्कुल ही गलत है। तो जब आप मेरे लाइफ के बारे में नहीं जानते हो तो कमेंट मत करो, और नहीं तो करोगे तो इसी तरीके से सुनोगे। जब आपको अपना माँ और बहन का इज्जत नहीं होगा ना तो मेरे वीडियो पे आओगे और कमेंट करोगे, मैं आपको नहीं पसंद हूँ, आप मत आओ मेरे वीडियो पे, मत देखो वीडियो, मैं यही कहना चाहती हूँ। बट निगेटिव कमेंट मेरे वीडियो पे नहीं, इस तरीके का कमेंट जो कि मेरे हस्बैंड को मर्डर के लेके हो वो तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जब आपको पता नहीं है तो नहीं करोगे। मैं क्या संघर्ष अपने हस्बैंड के साथ की हूँ मैं जानती हूँ, और जो मेरे साथ प्रेजेंट यहाँ पे था वो लोग जानता है, जो मुझे देखा है, जो मुझे समझा है कि श्वेता किस तरह से स्ट्रगल की है, उन्हें पता है कि श्वेता क्या की है, ठीक है? आपको नहीं पता। अगर मुझे मरवाना होता, पहली बात पॉइंट होता है कि आप अपने हस्बैंड को आप खुद मरवाए हो बॉयफ्रेंड से, तो जब मेरा बॉयफ्रेंड था तो मेरी भी शादी हस्बैंड के साथ, मेरी लव मैरिज थी, तो मैं जब लव मैरिज मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा दुनिया या मेरा हस्बैंड मेरा ऐसा नहीं था। मेरा लव मैरिज हुआ था तो बहुत लोगों को बहुत फटी थी, ये चीज़ भी है, बहुत लोगों को फटी थी, बहुत चीज़ जो है निगेटिव उस टाइम पे भी बनाया गया था जब हम लव मैरिज किए थे। तो और आज के टाइम पे लड़कियां लोग को क्या है जो मैं लाइव देख रही हूँ वही बताऊँगी आप लोग से। आज आपसे बात कर रही हैं, कल उनका ब्रेकअप हो गया, फिर वो किसी और से बात कर रही हैं, फिर उनका ब्रेकअप हो गया, लड़की लड़का के घर में जाके 15 दिन रुक के आ रही है, फिर किसी और के साथ शादी हो जाता है, तो क्या वो राइट है? आप लोग बताना वो राइट है? अगर इंसान जिससे लव किया उससे शादी कर लिया, उसके साथ पूरा मरने जीने का पूरा जो है शपथ ले लिया, वो गलत था? हाँ, तो नहीं जानते हो ना मेरे बारे में तो प्लीज़ मत बोला करो। मुझे हट होता है कि मैं अपने लाइफ में कैसे कैसे दिन देखी हूँ, ठीक है, बहुत कुछ देख के, और आज जो है मैं एक अच्छी लाइफ तक पहुँच चुकी थी, लेकिन अब भगवान को दोष दूँ, इंसान को दूँ, फैमिली वाले को दूँ, किसको दूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। तो इसलिए मैं अभी तक नहीं जान पाई कि मेरे हस्बैंड के साथ रियल रियल जो क्या उनका दुश्मन कौन है वो मैं नहीं जान पाई, बट हाँ इतना मुझे पता था, पंडित गया मेरे हस्बैंड के साथ गया है उस दौरान पे, वहाँ है, वो सब कुछ देखा है, और फिर उसके बाद जब वो मेरे घर तक शेयर नहीं किया तो इतना तो कन्फर्म है कि पंडित का हाथ है ही है। लेकिन पंडित क्यों मारेगा मेरे हस्बैंड को, सबसे बहुत बड़ा मेरे मन में जो क्वेश्चन है यही चलता है। पंडित के साथ पीछे आगे कोई और है जो कि इतना बड़ा घटना करवा दिया है, और वो घटना के आज 4 साल चल रहा है, 4th साल चल रहा है, मेरे माइंड से वो चीज़ नहीं निकली है।
यही प्रार्थना करूंगी कि प्लीज इतना माइंडली डिस्टर्ब मुझे मत कीजिए। मैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग और मुझे डिस्टर्ब कीजिए। मैं अभी कमा रही हूँ, अपने बच्चे को पाल रही हूँ, और देखिए ये सब मेरे लाइफ में बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं है। अगर मुझे करना होगा तो मैं शादी करूँगी, कोई बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मेरे लाइफ में नहीं है। मैं आज खुल के बताती हूँ मेरे ये सब कुछ नहीं है। बाकी मैं बजरंग वाली नहीं हूँ कि ये फाड़ के मैं दिखा दूँगी कि क्या है नहीं है। और यही कहना चाहती हूँ, आप लोग अभी मेरी लाइफ के बारे में नहीं जाने हो, आप मुझे अच्छे से नहीं पहचाने हो कि मैं कैसी लेडीज हूँ, क्या हूँ। निगेटिव बोलने के लिए मुझे बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन मैं सारे चीज़ को रिमूव करके सारा दुनिया जहान छोड़ के मैं एक ही शपथ ली हूँ। क्या करना है तुझे? मुझे अपना जिंदगी देखना है, अपना कैसे मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। और जिसको लगता है मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो मेहरबानी करके अगर बताएंगे तो मैं जिनको बहुत फट रहा है उनके लिए अकाउंट नंबर डाल दूंगी, और 10 लाख 15 लाख भेज दीजिएगा कि ताकि मैं जिससे अपने बच्चे को स्टडी करवा सकती हूँ। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा हमदर्दी लग रहा है हमारे बच्चे के लिए और हमारे हस्बैंड के लिए, आपको हमदर्दी लगा तो, लेकिन आप तो कुछ कर नहीं पाए, आप तो बस आप यूट्यूब पर आके कमेंट मारते हो, मुँह फाड़ देते हो। इतना आपको पता था तो मेरे हस्बैंड को आप बचा लेते। मैं कितना भी अपने बॉयफ्रेंड से मरवा रही थी तो, लेकिन आपका मैं जिंदगी भर जो कहा जाता है चरण धो के पीती, जिस दिन मेरे हस्बैंड को बचा लेते उस दिन मैं चरण धो के पीती आपका जिंदगी भर, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पाए। तो प्लीज़ आप इस तरीके का कमेंट नहीं कीजिए, और अगर कीजिएगा तो मैं तो यही जानूंगी आपके घर में भी आपकी माँ बहन है यही हरकत करती होगी, तो यही हरकत करती होगी, इसलिए मेरे ऊपर भी लगता होगा। श्वेता भी अकेली है तो यही हरकत करती होगी, क्योंकि मैं जब गलत रहूंगी तो मुझे बार बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं जब गलत रहूंगी तो मैं अगले को भी समझूंगी कि वो भी गलत है। ठीक है, वो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, वो समझदार है, आप खुद समझें। और बाकी लोग मुझे बहुत आड़स दिए, हिम्मत दिए, कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको दिल से थैंक यू। आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग आज अगर नहीं होते, मैं यूट्यूब पे नहीं आती, मैं अपना जर्नी नहीं शेयर करती, तो आज मैं एक अच्छी, मतलब कितना भी गंदा काम करके मैं एक अच्छी बनी हुई रहती, बट मैं आई यूट्यूब पे, इसलिए शायद मैं आज गलत हूँ, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ साफ बोलती हूँ और सही बोलती हूँ, नहीं कभी गलत बोली, नहीं कभी गलत के साथ रही आज तक, तो मेरा यही रिकॉर्ड है। बाकी मैं अपने आप को ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहती हूँ। फाइनली गाइस बाय बाय, मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, टेंशन अपना खत्म करके मिलूंगी आप लोग के साथ। हमारा संडे है, हमारा हॉलीडे है, ओके, पहली बार।